हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये मेरी पहली वीडियो है और आज हम जाएंगे अलवर साहिल भाई से मिलने। हमारी साहिल भाई से बात हुई थी पर मेरा दोस्त आने वाला था तो वो आज आ चुका है। वो आएगा तो हम उससे आपको मिलवाएंगे और साहिल भाई से मिलेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे, रील बनाएंगे। और मुझे एक छोटा सा काम था इसलिए मेरा पहला वीडियो भी है, इस वजह से मैं अलवर जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था अलवर की शुरुआत करूँगा। मैं अभी आया था खेतों में और खेतों में आने के बाद में भाई यहाँ दो बच्चे मिल गए और इन दोनों बच्चों से मिलने के बाद में अब जा रहे हैं हम अपने घर की ओर। तो गाइज मेरा दोस्त आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो अब हम रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करके अपने ब्लू पैंथर को साफ वाफ करने के बाद फिर हम निकलते हैं अलवर के लिए। तो गाइज देखो यही है वो चूतिया इंसान, जा रहे हैं। जाने के बाद में अब मिलते हैं आपको राइड पे, सीधा बाइक पे मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स हमने पहन लिया हेलमेट, हेलमेट में माउंट किया अपना कैमरा और वीडियो शुरू करी। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड ही रखा है इसे। और गाइस मैं इसलिए लेट हो गया था कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था जो सीकर जाना था उसे, और मैंने उसे ड्रॉप करा फिरोजपुर में। तो अब हम सीधा चल रहे हैं अलवर की ओर, नहीं तो मैं उसे भी साथ में लेके आ सकता था पर आपको पता है एमटी बाइक की सीट कितनी लंबी होती है, दो बंदे भी मुश्किल से बैठ पाते हैं उसमें। तो रास्ते में रिएक्शन कुछ ऐसे मिल रहे थे तो आगे आप देखना कैसे कैसे रिएक्शन मिलेंगे। तो भाइयों कोई हर कोई ऐसा सोचता है कि पता नहीं क्या ज़ॉम्बी आ गया, कौन है, क्या कर रहा है, ये फ़ोन लगाया हुआ है, गिर नहीं जाएगा, पता नहीं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है भाई। अभी आगे हमें मिलेंगे दो दोस्त, ये मेरे भारत दो भाई के दोस्त हैं। देखो कैसे देख रहे हैं, इनके भी रिएक्शन कुछ अलग ही है भाई, कुछ कह नहीं सकते। पर क्या कर? मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, यूट्यूब चैनल बनाऊं, पर मेरे दोस्त की वजह से मैं लेट हो गया। इसे आने में बहुत टाइम लग गया और ये फाइनली आज आ गया। दीपावली पे तो नहीं आया था अपने घर पर अब आ गया। तो गाइस यहाँ पे हमें मिल गया था ट्रैफिक। ट्रैफिक में ये अंकल देखो मोटर को ही साथ में लेके जा रहे हैं, कहीं किसी को लग जाए। इतने बड़े ट्रैफिक में भी भाई साहब मतलब सेफ्टी का कोई ख्याल ही नहीं है। यहाँ पर हमने जैसे तैसे काफ़ी टाइम लग गया, वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग है इसलिए आप सबको पता नहीं चल रहा है, पर धीरे 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 ट्रैफिक खुला तो हम सीधा निकल लिए। तो भारत को लगने लगी भूख, अभी हम अलवर पहुँच कर पहले खाएंगे खाना, खाना खाने के बाद फिर हम करेंगे काम जिस काम से हम आए थे, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था। तो उसके बाद में फिर हम जाएंगे सीधा साहिल भाई के पास। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको ऐसी वीडियो रोज़ एमटी से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड मैं डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो गाइज़ हम आ गए हैं साहिल भाई के प्लॉट पर और लुक देखो एक बार बाइकों की कैसी लग रही है, आप देख के बताओ। ये बैठा हुआ है भारत, मिलते हैं साहिल भाई से। चैनल तो अभी बना नहीं है तो मैंने सोचा पहले वीडियो ही बना लें। और ये है हमारे साहिल भाई की ब्लैक पैंथर। अभी आते हैं साहिल भाई, फिर करते हैं बाकी आगे का व्लॉग। तब तक के लिए थोड़ा सिनेमैटिक देख लो। Pulling up black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Can't fuck with this, I'm going to try. Just watch the bullets fly, I'm the last one to die. तो गाइस सिनेमैटिक आपने देख लिया होगा, अब हम थोड़ा मस्ती करने लगे। भारत यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहा है। तो साहिल भाई गए हैं अभी घर पे, वो भी अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो साहिल भाई आ जाएंगे उसके बाद में हम चलेंगे रील्स बनाने, फ़ोटो शूट करने। मेरी तो कोई बनाता नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, भारत को काफ़ी टाइम हो जाता है आए हुए घर पर। तो लुक देखो आप एक बार, मुझे तो मोस्टली ब्लैक पसंद है पर मैंने मजबूरी में अपनी ब्लू ली थी तो मुझे मिली नहीं। मेरी वर्जन 2 है और साहिल भाई की वर्जन 3 है। तो एक बार लुक कमेंट करो कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ब्लैक एंड ब्लू। तो साहिल भाई आ चुके हैं तो हम चलते हैं अभी फ़ोटो शूट करने। तो ये देखो साहिल भाई खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम शूट कर रहे हैं फ़ोटो, उसके बाद में हम सीधा चलते हैं रील्स बनाने।
तो फ्रेंड्स हम साहिल भाई के यहाँ से सीधा आ गए रूम पर और रात हो गई है, भारत लेटा हुआ है, ये काफ़ी थक गया है। आधे रास्ते बाइक इसने चलाई थी, आधे रास्ते मैंने, और ये मैंने रख दिया यहाँ पे हेलमेट। हेलमेट से बाल बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, तो पता नहीं कैसा लग रहा हूँ मैं, माइंड मत करना। तो भारत अभी निकाल रहा है कोल्ड ड्रिंक, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में फिर सीधा चलते हैं मॉल। मॉल में देखेंगे मूवी, पता नहीं कौन सी मूवी लगी मिलेगी। अब जो भी मूवी लगी हमारी मूवी देखने, और यहाँ पे लगी है टाइगर 3। हम है अलवर में गोल्ड सिनेमा मॉल में और हम जा रहे हैं अभी मूवी देखने। मूवी का टिकट लेने के बाद हम दोनों सिंगल लौटे चल दिए प्रवेश द्वार की ओर, और मूवी का टिकट हमें पड़ा एक टिकट 300 रुपये का, दो टिकट 600 रुपये के। तो हमने दो टिकट लिए और हम आ गए अभी प्रवेश द्वार की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है इंटरवल, मैं और भारत बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से ले जाएंगे पॉपकॉर्न, भारत को आने लगी थी नींद, तो सीधा मूवी ख़त्म होने के बाद हम करते हैं फ़ोटोशूट। तो आप देख इसकी फ़ोटो निकाली, इसने मेरी फ़ोटो निकाली, और गाइस यहाँ से जाने के बाद हम सोएंगे। भारत काफ़ी थक चुका है, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, सुबह हमें घर के लिए फिर से वापस निकलना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हैं 10। मैं और भारत स्नान करने के बाद हमने रील शूट की और हम सीधा जाएंगे अब घर, मिलते हैं सीधा राइड पे। तो फ्रेंड्स हमने किया रूम चेकआउट और हम निकल आए अपने घर की ओर। रास्ते में नाश्ता किया, भारत को भूख लगी थी, तो हम चलते हैं। ये आगे देखो भाई, हमको देख के कैसे इशारा करते हैं, पर कोई नहीं, हमने इसका रिप्लाई कर दिया था। बाकी अब चलते हैं अपने घर की ओर, तो हम ज़्यादा स्पीड में बाइक नहीं चलाएंगे, हम धीरे धीरे ही चलेंगे, क्योंकि भारत बाइक पे ही सो गया है। पता नहीं क्यों उसका सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को बीच बीच में थोड़ा फास्ट भी रखा है, थोड़ा स्लो भी रखा है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और चलते चलते ये ऑटो में दो भाई, एक सेल्फी ले रहा था, एक उसकी तरफ देख रहा था। हमने भी इशारा किया कि काफ़ी सुंदर लग रहे हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते में कभी फोन वोन गिर जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड साहिल भाई से मिलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, खूब मस्ती भी की मैंने और भारत ने, और अब 2-2.5 घंटे में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। काफ़ी थकान हो जाती है यार सफ़र में बाइक पे लगातार चलते चलते, क्या करें यार। बस व्लॉग शूट करना था, इस वजह से मैं आ गया, काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहा था, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, मैं नहीं चाहता था मेरा वीडियो, पहला वीडियो इतना लंबा बने, तो कोई नहीं गाइस, आगे से थोड़ा कम रखेंगे। आजकल लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, मुझे इतना वीडियो बनाना नहीं आता ना मुझे इतनी एडिटिंग आती है। जो कुछ पूछा थोड़ा बहुत मैंने साहिल भाई से पूछा, कोई नहीं, धीरे धीरे सब चीज लेंगे, पहले से कोई इतना एडवांस नहीं होता है, सब अपनी गलतियों से सीखते हैं, पर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपनी बाइक MT15 यानी कि मेरी ब्लू पैंथर के बारे में। ये मैंने मोस्टली 1 साल हो चुका है इसे परचेज की हुए, और अभी तक मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ ना ज़्यादा कहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं एक गांव में रहता हूँ, काफ़ी काम भी होते हैं, घर का काम करना पड़ता है, भाई मेरे रहते नहीं हैं, दोनों भाई बाहर पढ़ाई करते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा चला नहीं पाता इसे। तो अब से इसे चलाएँगे और आपके लिए अपलोड करेंगे। हमने आधा रास्ता पार कर दिया और यह रास्ते में हमने देखते मामू जानते हैं आप कितने देखते हैं, मैं तो अपनी रास्ते में खामू कहता हूँ, ये एक मामू है जो हमें देख रहे थे, पर कोई नहीं, यहाँ पे बहुत चेकिंग चल रही है, देखो ये भाई लोग बैठे हुए थे कि तब वो चेकिंग बंद हो और हम यहाँ से निकल गए, पर कोई नहीं यार हेलमेट नहीं हुआ था ऐसे ही होगा। ये अंकल जी भी हमें देख रहे थे बैठ के, हमारे बारे में बात कर रहे थे कि ये इनके हेलमेट से क्या लगा हुआ है। तो वैसे मैंने अपना फ़ोन ही हेलमेट का माउंट किया था, तो हम अब थोड़ा ही दूर हैं अपने घर से। तो भारत रास्ते में केले फल वगैरह लेने लगा, तो हम यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे भी अंकल जी हैं जिनकी आवाज़ सुनूंगा। नहीं होगा आपने क्या कहा अंकल जी ने, अंकल जी ने कही है क्या आगे लगाया हुआ है, तो कोई नहीं ऐसा ही होता है भाई। जब पहली बार को देख मैंने हेलमेट पहना हुआ था तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई, पर ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग पहली बार देखते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है। हम भी किसी को अब जैसे मूवी की शूटिंग वगैरह होती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेजिटेशन हो या बस इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर, जो करना है अपन को करना है,
अपना काम है, कैसे बढ़ना है, अच्छे से बढ़ना है, बस और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें के लिए कोई है ही नहीं। तो भाई फिर अब हम घर पहुंचने वाले हैं, बस 10 से 15 मिनट में अब हम घर पहुँच जाएंगे। तो भाई अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है, कुछ नया कम देखा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।